बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर की गई लाठीचार्ज के खिलाफ भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी लगाकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर काला दिवस मनाया। जिला अध्यक्ष संतोष शाह की अगुवाई में भागलपुर में नीतीश तेजस्वी सरकार के खिलाफ जमकर नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। मौके पर संतोष शाह, प्रीति शेखर, बंटी यादव ने कहा कि बिहार में जंगल राज 3 का आगमन हुआ है। सरकार के इशारे पर पुलिसिया गुंडागर्दी हुई व आजाद भारत में निरंकुशता और तानाशाह का एक बड़ा गवाह बनेगा। साथ ही कहा कि लोकतंत्र को शर्मसार करते हुए शिक्षक, महिलाओं, छात्रों और बिहार के भविष्य को बचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज यह दर्शाता है कि नीतीश सरकार लाठी तंत्र से शासन चलाकर विरोधियों को कुचलने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के घमंड में कुर्सी कुमार ने निहत्ते कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण प्रहार कर लोकतंत्र की हत्या की है, जिसका माकूल जवाब बिहार की जनता देगी। शांतिपूर्ण मार्च पर निर्ममतापूर्वक लाठी बरसाना सरेआम गुंडागर्दी है और इस गुंडा राज को बिहार की जनता भुगत रही है। बीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने एक सुर में कहा कि बिहार के युवा शिक्षकों के हक की लड़ाई के लिए भाजपा शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च कर रही थी। हम लोग खुद उस मार्च में शामिल थे और बिहार की इस निरंकुश सरकार के जो मुखिया हैं उनके इशारे पर पुलिस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाया और हमारा कार्यकर्ता शहीद हुआ। कल हम लोगों का शांतिपूर्वक विधानसभा मार्च गांधी मैदान से निकलकर जैसे ही डाक बंगला चौराहे पर पहुंचता है, नीतीश कुमार की बर्बर पुलिस, कल का जो पूरा दृश्य पटना के अंदर था, अंग्रेजों के समय जो जनरल डायर ने जिस प्रकार से कहा कि गोलियां कम पड़ गई थी नहीं तो लाशें और गिरती, उसी प्रकार कल जनरल डायर की भूमिका में नीतीश कुमार कल खड़े थे। उसकी पुलिस भारतीय और बिहार की पुलिस नहीं, अंग्रेजों की पुलिस की तरह थी। लाठी डंडे से पूरे लैस होकर हमारे निर्दोष ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार प्रहार किया और माथे पर, शरीर में जहां मिले। आपको यह बताना चाहिए नीतीश जी, कल भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा मार्च कल किस रूप में उग्र था? कोई भी व्यक्ति, कल कोई हिंसा कर रहा था, कोई दुकान लूट रहा था, किसी व्यक्ति को तंग तबाह कर रहा था, कहीं से भी यह आंदोलन हिंसक नहीं था। लेकिन आपने बदले की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, सिग्रीवाल जी हों, नंद किशोर यादव हों, नित्यानंद राय हों, आपके ये विजय सिन्हा जी हों, सभी सभी के नेताओं से और 17 ऐसे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के हैं, उनकी पिटाई की गई और वह गंभीर रूप से घायल हैं। कोई एक कार्यकर्ता नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी की जिसकी पिटाई कल और नीतीश कुमार के बराबर पुलिस ने नहीं किया है। पुलिस का वह चेहरा, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या आपने की है। कल यह नीतीश कुमार सुनिश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की हत्या करना चाह रही थी, उसी की पानगी है कि विजय सिंह जो हमारे बीच अभी जहानाबाद के महामंत्री जिला के शहीद हो गए, आज उसका परिवार विवक रहा है। आज मैं भाजपा के एक परिवार का एक सशक्त सिपाही को हम लोगों ने खोया है और आने वाले समय में यह जो मृत्यु हुई है, वह जो हत्या हुई है, उनका जो शहादत हुआ है, वह जाया नहीं जाएगा। और बिहार की भूमि पर जब जब कार्यकर्ता और राष्ट्रभक्तों का खून बहा है, तब तक सत्ता परिवर्तन हुआ है। 14 में भी जब यहाँ नरेंद्र मोदी जी आए थे पटना के गांधी मैदान में और उनका भाषण चल रहा था, 5 ऐसे लोगों जो बम से उड़े थे और जो शहादत हुई थी, उसका परिणाम आया कि पूरे देश के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया और आने वाले समय में 24 में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और 25 में ये चाचा भतीजा की सरकार बिहार से बाहर जाएगी। और आने वाले समय में आपको बताना होगा बिहार की जनता को कि किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण आपने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया है। और ये लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपसे अनुमति ली गई थी और सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद वह मार्च निकल रहा था। आज हम लोगों ने पुतला जलाकर सांकेतिक रूप से उनको आवाहन करने का काम किया है, यहाँ से चेतावनी। कल मैं उसकी प्रत्यक्ष दर्शी रही, कल जिस प्रकार से डाक बंगला चौराहा पर लोग प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश रहा हो। वो निर्दोष निहत्थे लोगों पर उन्होंने लाठियां बरसानी शुरू कर दी और खासकर महिलाओं पर, महिला पुलिसकर्मी नहीं बल्कि पुलिसकर्मी ही लाठी से वार कर रहे थे। हमारे कई माननीय सांसद और विधायक भी उसमें घायल हुए और इस प्रकार से पीटने का कार्य कर रहे थे जैसे कोई जानवर हो। जानवरों जैसा सुलूक कल पटना की सड़कों पर महागठबंधन की सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किया गया, इसको किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। और विजय सिंह जैसे
वीर सपूत जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, आज हम उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और उनके प्राणों की आहुति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जनता आने वाले चुनाव में जब बैक टू पवेलियन भेजेगी महागठबंधन की सरकार को, तब उन्हें समझ में आएगा कि किस प्रकार लोगों का बलिदान देना कितना कष्टकारक होता है। हम लोग के अंदर बहुत ही पीड़ा है और सबसे एक बड़ी बात कि आज पूरे राज्य में जिस प्रकार से शिक्षकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो मिसाइल को खत्म किया गया है और जो एस्टेट और सीटेट प्राप्त जो वो उत्तीर्ण जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा नहीं देके सीधे नियुक्ति नहीं करके बीपीएससी के द्वारा चयन करने की बात कही जा रही है। इन सभी चीजों का विरोध हम लोग सड़क से लेकर सदन तक करने का कार्य करेंगे और महागठबंधन को जो फैसला वापस लेना होगा, जब तक वो फैसला वापस नहीं लेते हैं हम लोग सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे। है और जान भी ले रही है, जब नौकरी के लिए उनका पोल खोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा, तो उनके तरफ उनके जान भी ली जाती है। ऐसी सरकार को अब अभी इमीडिएट नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और तेजस्वी जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, जो 10 लाख की नौकरी दे रहे थे और आज उन नौकरी लेने का काम कर रहे हैं। और जब हम लोग उनको जगाते हैं, उनकी बात बताते हैं, तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। इसमें वो पुलिस से अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं पे आक्रमण कराकर एक हमारे कार्यकर्ता महामंत्री जी को शहीद होने का इस अवसर पे मौका मिला और उनका मौत ये दुख के लायक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि तेजस्वी जी और नीतीश कुमार की बुद्धि मंद हो गई है, बुद्धि खत्म हो गई है कि इस तरह का वो कार्य अपने प्रशासन को अपने मुट्ठी में रख कर करवा रहे हैं, पुलिस का डंडा पड़वा रहे हैं। उनको आने वाले समय में इसका हर एक एक पाई देना पड़ेगा। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून लुक्स सलून। लुक्स सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलोन अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सलोन के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले में हुई बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों ने धान रोपना शुरू कर दिया है। खेतों में काफी संख्या में महिलाएं धान की बुआई कर रही है, लेकिन किसानों की माने तो आद्रा नक्षत्र में ही धान की बुआई हो जाती है, लेकिन बारिश कम होने से धान की रोपनी नहीं हो सकी। कुछ इलाकों में किसानों ने बारिश के पानी में धान रोपा तो कहीं बारिश कम होने पर बोरिंग के सहारे खेतों में पानी डालकर धान रोप रहे हैं।
जिले में अच्छी बारिश हुई तो इस वर्ष भी धान की अच्छी पैदावार होगी। बता दें भागलपुर जिले व आसपास के जिलों में 50,000 हेक्टेयर में अधिक से अधिक धान उत्पादन होती है। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश को पूर्वांचल के धान का कटोरा माना जाता है। जिले में अधिकतर कतरनी धान, सोनम, बासमती व बौना धान का उत्पादन होता है। जिले के सुल्तानगंज, जगदीशपुर, कहलगांव व पड़ोसी जिला बांका के कई हिस्सों में कतरनी धान की काफी मात्रा में उत्पादन होती है। भागलपुर का कतरनी धान विश्व प्रसिद्ध है। कतरनी चूड़ा को GI टैग प्राप्त है, जिसे भारत के साथ विदेश के लोग भी खरीदा करते हैं। यास धान रोपनी शुरू हो मतलब परसों से रोपे थे, कल से सोमवार से। सोमवार से कल कब तक तैयार होते? हमरो ते 1 एकड़ 2 एकड़ छे, कल तक में रोपाई जेते। ओकरा बाद अब पानी होते तब ना। ये कौन नक्षत्र चली ये पुख कौन नक्षत्र में बारिश तेज हो? हाँ ये नक्षत्र से भर असरेस तक बारिश की एकदम संभावना रहना चाहिए काफी, लेकिन तब धान के खेती किसान का आराम से होते। समय पर बारिश होले? समय पर अभी तक तो नहीं होलो, लेकिन बिचड़ा हिंडा गिरे ले जागला पानी में लोग। पानी पड़े लोग मतलब ज्यादा पर तक बढ़िया रहते। हाँ अब रोपा शुरू होते, बिचड़ा तैयार हो रहा लोग के। अच्छा धान रोपनी बढ़िया हो रहा है? नहीं कहाँ होते, खाली सिर्फ बोरिंग एक आध गो किसान के एकरा छे वो करे छे। इलाका में कौन धान ज्यादा होय छे? यहाँ होय छे कि किसे तोरो सोनम, तोरो बासमती, कतरनी भी होय छे। सबसे अभी धान रोपनी पूरा शुरू कर दी? ऐसा बौना के रोपनी शुरू होय छे अगहनी धान। इसकी रंग होले अभी? बारिश तो होले खूब आग जमा लगा। हाँ। आ फिर बीच में ना होले, कल रात में होले। हाँ। 9 बजे रात में अभी तो ना हो रहा है। धान रोपाई कहना हो रहा है अभी? धान रोपा तो बढ़िया हो रहा है। अच्छा बढ़िया। हाँ बढ़िया हो रहा है। कौन धान रोपी रहा है? माने छी बोना। सोनम। बोना बोना। बोना रोपी रहा है। हाँ। क्या गो छो तो सब सब के रोपे में? आवे छे 8 गो। अच्छा कितना देर लगे छो 1 कट्ठा रोपे में? 1 कट्ठा ये आदमी दिन भर में रोपी दी छे। 2 कट्ठा। फिर जब बारिश होले केना होते धान? खूब बढ़िया, खूब अच्छा धान होते बारिश होते। बारिश होती है? धान बारिश खोजे? हाँ बारिश खोजे से पानी खोजे से। कब तक तैयार है इसे? ये तैयार होता है ना कातिक में, कातिक ले 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 घंटा लो अगन में कटी जाते। पवित्र सावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्त लगातार सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर वैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। भक्तों की भक्ति की अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम के रास्ते कच्ची कांवरिया पथ पर एक ऐसा श्रद्धालु दिखा जो अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की कामना के लिए 1990 से वैद्यनाथ धाम पैदल जा रहे हैं। कटिहार निवासी दुर्गेश सूरदास है, हर सावन में वैद्यनाथ धाम जाते हैं, लेकिन वो महादेव से अपने आँख की ज्योति नहीं मांगते। दुर्गेश कहते हैं कि वो मंदिर में ही रहते हैं और महादेव की सेवा करते हैं। 1990 से वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। मन में कामना थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने। दुर्गेश ने कहा कि मोदी जी जैसा नेता हर जगह होना चाहिए, उन्होंने श्री राम मंदिर बनवा दिया, अब हम बहुत खुश हैं। श्री राम मंदिर बन रहा है, अब इसलिए वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं कि पूरा देश खुश रहे। सचमुच में महादेव के भक्त निराले होते हैं और महादेव को ऐसे ही अनन्य भक्त प्रिय होते हैं। 24 घंटे में रास्ते में कोई परेशानी नहीं? बम जी बाबा कृपा से आनंद से जाते हैं धीरे धीरे। क्या मांगे हुए थे शुरू में जब निकले थे 1990 में, क्या मांगे थे? हाँ जी बम जी, स्कूल छोड़ते हुए हम मांगा था बाबा श्री राम भगवान का मंदिर बने, हम लोग के हिंदुस्तान सुखी रहे, हिंदुस्तान का जनता सुखी रहे, इसमें हम आनंद है। बचपन से चाहत थे? हाँ जी। क्या चाहे थे? हम लोग के राम मंदिर बन जाए। इसीलिए बाबा? हाँ जी। कहाँ से जल उठाते हैं, कहाँ जाते हैं? ये सुल्तानगंज से जल उठाते हैं, बाबा धाम पहुँचते हैं। कितने साल से लगातार चल रहे हैं? 1990 से जा रहे हैं, यानी 33 साल से। हाँ। क्या मांग रहे थे भोलेनाथ से, क्या मांगे थे? मांगे थे यही बम जी, हम लोग के हिंदुस्तान में बाबा भोलेनाथ राम मंदिर बन गया, बहुत आनंद हो गया। कहाँ राम मंदिर? अयोध्या। अयोध्या में यही मांग कर बस
और क्या अपने लिए कुछ मांगे? नहीं बम जी, अपने लिए कुछ नहीं मांगते, हिंदुस्तान हम लोग सुखी रहे, हिंदुस्तान बने सुखी रहे। जीवन जागृति सोसाइटी एवं नारायणा सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता के तत्वाधान में बच्चों के जन्मजात हृदय रोग की पहचान हेतु मुफ्त कैंप का आयोजन दूसरी बार 23 जुलाई को एबीसी हॉस्पिटल बंसीटीकर जगतपुर बायपास में किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर एवं आसपास के कई जिलों के जन्मजात हृदय रोग के शिकार बच्चों के आने की संभावना है। कार्यक्रम में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, इसके लिए जीवन जागृति सोसाइटी के तहत शहर में हृदयाकार वैलून के साथ पैदल रैली का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जीवन जागृति सोसाइटी के दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। जीवन जागृति सोसाइटी एवं पूर्व भारत के मशहूर नारायणा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कोलकाता रविन्द्रनाथ टैगोर अस्पताल, जहां हर तरह की जटिल से जटिल हृदय रोग की सर्जरी होती है, अंग क्षेत्र में जन्मजात हृदय रोगियों की पहचान एवं इसके मुकम्मल इलाज हेतु दिनांक 23 जुलाई रविवार को एबीसी हॉस्पिटल बंसी टीकर जगतपुर बायपास में मेगा कैंप का आयोजन होना निश्चित है, जिसमें उपयुक्त अस्पताल के बाल हृदय रोग के सर्जन एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ आएंगे और बच्चों की बीमारी की गंभीरता के हिसाब से उसके इलाज की रूपरेखा तैयार करेंगे। जीवन जागृति सोसाइटी इस दिशा में सरकार एवं अस्पताल के बीच कड़ी का काम करेगी। सरकार द्वारा प्रदत्त राशि वैसे मरीजों को दिलवाने में भी अहम भूमिका निभाएगी, ताकि गरीब से गरीब एवं आम जनों के बच्चों का हृदय रोग का मुफ्त सर्जरी हो सके। बच्चों में जन्मजात हृदय रोग होता है, छेद होता है, उसमें कई तरह का होता है, कुछ है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ में समय लगता है, लेकिन यह बहुत भयावह स्थिति होती है, खास करके पेरेंट्स के लिए, और इसके लिए हम लोगों ने जीवन जागृति सोसाइटी ने मुहिम चलाया है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करके जहाँ भी उसका मुफ्त इलाज हो सके, चाहे बिहार हो या बिहार के बाहर हो, उसको कराया जाए, और इसके लिए सरकार भी राशि देती है, बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये राशि दी जाती है, और ये किसी भी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसका ऑपरेशन कराया जा सकता है उस राशि के द्वारा। तो उसी संदर्भ में जीवन जागृति सोसाइटी ने नारायणा सुपर स्पेशलिटी कोलकाता जो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ है मिला हुआ है, हम लोगों ने एक बड़ा सा कैंप का आयोजन आगामी 23 जुलाई को कर रहे हैं, और ये एबीसी हॉस्पिटल बंसी टीकर में होने जा रहा है, जिसमें लोगों से अनुरोध है कि जो भी जानते हैं किसी भी बच्चे को भी हृदय रोग है, चाहे खुद के बच्चे हों या उनके रिलेटिव हों, उनको सूचना दें और उचित करें कि 23 जुलाई के मेगा कैंप हो रहा है, जो मुफ्त होगा पूरी तरह से, और आगे भी उनका हृदय का यदि ऑपरेशन होना है तो वो भी लगभग मुक्त होगा, और इसको लिए हम लोग जहाँ से भी मदद मिलेगा, चाहे बिहार सरकार से, राज्य सरकार से, इसको लेके हम लोग कराएंगे। पिछले 4 साल पहले भी हम लोगों ने ऐसा आयोजन किया था और 32 बच्चों का मुफ्त ऑपरेशन हम लोगों ने कराया था, और इसी मुहिम में पूरा हम लोग कर रहे हैं, जो आस पास के 7-8 जिले से लोग इसमें आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक संस्था है जो जमीन पर काम करती है, हमेशा हम देखते आए हैं, और डॉक्टर अजय कुमार सिंह बच्चों के जीवन को भी दान देते हैं और बच्चों पे काम भी कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। इनके जैसे लोग भागलपुर में हो जाएं तो समस्या रहेगी नहीं, डॉक्टर से मिलना तो दूर, पैसा दे के भी मिलना मुश्किल है, और डॉक्टर हमारे सामने सड़क पर मौजूद है। काम हुआ है, इसका कारण ये है कि हम लोग हृदय से जो शोषित बच्चे हैं, जो बीमार बच्चे हैं, जिनको बचपन से ऐसा हो रहा है, उनके लिए निःशुल्क हम लोग ऐसा शिविर लगा के उनका इलाज करवाएं, जो कि हमारे जीवन जागृति सोसाइटी और नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के तत्वाधान में ये कार्यक्रम होगा। इसके लिए बच्चे को कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा, और ऐसे हमारे बहुत से समाज में बच्चे होंगे जिनका गरीबी रेखा से नीचे होगा, उनको इलाज कराने में संभव नहीं, उस सोसाइटी के बच्चे के लिए यह बहुत ही अच्छा पहल है हमारे सोसाइटी का। सावन की दूसरी सोमवारी पर देवघर में बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण को लेकर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में रिमझिम बारिश के बीच बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल सहित अन्य जगहों के लाखों शिव भक्तों ने गंगा में स्नान किया, जिसके बाद अजगैवीनाथ गंगा घाट से जल लेकर पूजा पाठ करते हुए हर हर महादेव बोलबम के नारों के साथ पैदल व वाहन से वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। देवघर, बंगाल, नेपाल, झारखंड, बिहार के शिव भक्तों ने बताया कि सावन में अजगैवीनाथ धाम आने पर काफी खुशी मिलती है।
है, इसलिए बाबा भोलेनाथ के दरबार अजगैवीनाथ धाम से पैदल व वाहन से वैद्यनाथ धाम गंगा जल चढ़ाने जाते हैं। बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस वर्ष कांवरियों की भीड़ दिन प्रतिदिन अधिक हो रही है और कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष अच्छी व्यवस्था की गई है। गंगा घाट में SDRF टीम, गंगा घाट में बैरिकेडिंग, कच्ची कांवरिया पथ में भी अच्छी व्यवस्था की गई है और पुलिस प्रशासन द्वारा भी गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक हर जगह सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। यात्रा है, पहली यात्रा है, कैसा लगा यहाँ आज गया? अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। गंगा माँ में मैंने अच्छे से स्नान किया और यहाँ पे काफी मतलब NDRF की टीम भी घूम रही है कि अगर जो स्विमिंग नहीं कर सकते अगर गिरे तो वो उन्हें सेव कर सके। काफी अच्छा है, व्यवस्था बढ़िया है। बाबा के दरबार जा रहे हैं तो क्या मनोकामना है इस बार? जी कुछ नहीं, मैं उसी नगरी की वासी हूँ, मैं देवघर में ही रहती हूँ और कुछ नहीं, बस बाबा को प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। आप लोग? हम देवघर से आए हुए हैं। पहली यात्रा है, पहली यात्रा है। कैसा सुविधा है आप लोगों की? इस बार तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी देखने को मिल रहा है। पिछले साल जैसा बताए थे उस मुताबिक बहुत बढ़िया फैसिलिटी मिल रहा है। चारों तरफ ब्रैकेटिंग किया हुआ है, काफी बढ़िया व्यवस्था किया हुआ है। क्या इस बार बाबा के दरबार जा रहे हैं, क्या मनोकामना लेके? मनोकामना कुछ नहीं, बाबा का सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर शाखा के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला व अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पटना में विधानसभा घेराव करने के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया कार्रवाई करते हुए कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें एक कार्यकर्ता विजय सिंह का देहांत हो गया, वो काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जदयू का पतन अब जल्द होने वाला है, इसलिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद में सटे हुए हैं। यह सोचकर कि भाजपा के खेमे में तो जाने से रहा, अब पूर्ण रूपेण अगर साथ देगी तो राजद ही। वहीं उन्होंने कहा कि विजय सिंह के देहांत का कारण अभी कुछ स्पष्ट नहीं पता चला है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन कह रही है कि वो अचेत मुद्रा में गिरे हुए थे और इलाज के दौरान मृत्यु हुई, वहीं भाजपा पार्टी कह रही है कि पुलिसिया दमन के चलते उस पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके चलते उनका देहांत हुआ। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने ना तो भाजपा में जाने की बात स्वीकारी और ना ही महागठबंधन में। अब देखने वाली बात यह होगी कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक तानाबाना किस प्रकार से बुनने में सफल होते हैं। देखिए, हम लोग भी बहुत प्रदर्शन किए हुए हैं और प्रदर्शन के समय लाठी चार्ज के बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए पुलिस क्या क्या करती है यह हम लोगों को भी मालूम है और उसके आधार पर कहीं से यह बात प्रमाणित नहीं है जो सरकार के लोग बोल रहे हैं कि मिर्च का पाउडर फेंका गया, किसी ने फेंकते हुए नहीं देखा, कोई वीडियो उस तरह का नहीं है, सड़क पर गिरा हुआ है, किसने गिराया? पुलिस के लोग भी कई बार इस तरह का काम खुद करते हैं, सिविल ड्रेस में भी लोग जा करके और प्रदर्शनकारियों की ओर से खुद ही पत्थर फेंक करके और फिर जस्टिफिकेशन बना लेते हैं और फिर लाठी चार्ज करते हैं। तो यह जो रहा है प्रशासन के लोगों का, सरकार के लोगों का, यह मुझको मालूम है, इसलिए कुछ भी वो लोग सफाई दे लें लाठी चार्ज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्या भविष्य में उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में शामिल? जो वहां प्रदर्शन हुआ था उसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे और उनकी मौत कहीं दूसरे जगह। हमने कहा कि देखिए, ऐसी बातें तो बनाई जा सकती है ना, सरकार और प्रशासन। कल देखिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैनिपुलेट होता है कि नहीं होता है। हम आपके यहाँ गांव में कोई घटना घटती है तो हम लोग भी डरे होते हैं कि नहीं होते हैं। कोई मजबूत आदमी अगर उस तरफ से खड़ा है तो पता नहीं कहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी प्रभावित कर दे। तो गांव के स्तर पे जब ऐसा होता है तो वहाँ तो पूरी सरकार लगी हुई है, पूरी सरकार जहाँ लगी हुई है वहाँ कितना निष्पक्षता, कितनी निष्पक्षता के साथ जाँच हो पाएगी मुझको नहीं मालूम, लेकिन लाठीचार्ज हुई, लोग घायल हुए, यहाँ तक कि मेम्बर पार्लियामेंट को भी पीटा गया, यह तो सब लोगों ने देखा है ना। जदयू पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में आपने अभी कहा है कि वो इसको लेकर हमारी तैयारी सब जगह चल रही, गठबंधन का अंतिम रूप से हमने फैसला नहीं किया है, हमारे साथियों ने मुझको अधिकृत किया है, हम तय करेंगे गठबंधन के बारे में, फिर हम इस सवाल का जवाब सीधा दे पाएंगे। थैंक यू। अब जच्चा बच्चा को टीकाकरण के लिए ईविन नामक साइट पर ऑनलाइन करना होगा, फिर उसके बाद टीकाकरण होगा।
इसको लेकर भागलपुर के स्थानीय होटल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान बताया गया कि जिस तरह कोविड के दौरान कोविड ऐप लाया गया था, उसी तरह यूविन ऐप लाया गया है जिस पर इम्यूनाइजेशन के सारे डेटा को एक जगह किया जा सकेगा, जिस पर एक क्लिक करने से डिलीवरी पॉइंट से लेकर बच्चों के टीकाकरण तक की सारी व्यवस्था देखी जा सकती है। इसकी शुरुआत अगस्त महीने से की जाएगी। यूविन ऐप, जैसे हम लोग कोविड में ये कोविन ऐप यूज कर रहे थे, उसी से प्रेरणा लेते हुए ये यूविन ऐप लाया गया है और इस पर इम्यूनाइजेशन के सारे डाटा को एक प्लेटफॉर्म पर करने की तैयारी है और इसी के लिए ये वर्कशॉप किया जा रहा है। इसमें सारा चीज़ डिलीवरी पॉइंट से लेके और बच्चे के टीकाकरण तक का सारा चीज़ उसमें अवेलेबल रहेगा, एक क्लिक पर आप देख सकते हैं। और अगर ऑनलाइन भी आपको कराना होगा तो जैसे कोविड में हम लोग बुक कराते थे स्लॉट, ऐसे इसमें भी हम लोग बुक कराएंगे। ये आप अपने आईडी से उसको खोल सकते हैं, देख सकते हैं। और चूंकि ये इम्यूनाइजेशन में एक बहुत बड़ी क्रांति ये किया गया है, काफ़ी बदलाव किया गया है ताकि सब डाटा एक जगह मिले, कहाँ पर कितनी गर्भवती महिला हैं, कितने बच्चे हैं, उसका सारा चीज़ उससे जनरेट होगा। हम लोग रियल टाइम डाटा कलेक्ट कर पाएंगे और सही समय पे उसका एनालिसिस कर पाएंगे और नीचे स्तर तक इवन ANM वाइज भी हम एनालिसिस करेंगे, HSC वाइज एनालिसिस करेंगे और रिपोर्ट जनरेट होगा जिसमें ये खुल के सामने आएगा कि हमारा इम्यूनाइजेशन में गैप्स कहाँ पे है ताकि उसको दूर किया जा सके। सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर के द्वारा 9 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के तीसरे दिन आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर ने अपनी मांग को लेकर बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रेफरल अस्पताल का OPD एवं टीकाकरण कार्यालय को बंद करते हुए शहर एवं कांवरिया पथ में टीकाकरण बंद कर दिया गया। इस दौरान आशा फैसिलिटेटर सुनीता देवी, मीना देवी, शांति देवी, पूनम देवी ने कहा कि जब तक बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक OPD एवं टीकाकरण बंद रखा जाएगा, जिससे रेफरल अस्पताल में सैकड़ों मरीज एवं कांवरियों का टीकाकरण नहीं हो सका। हम लोग आज हड़ताल का तीसरा दिन है, जब तक हम लोग सरकार जब तक हम लोगों की कोई बात नहीं मान लेती है तब तक हम लोग इसी तरह से हड़ताल पे बैठते रहेंगे। आज आप लोगों आज हम लोग टीकाकरण बाधित किए हैं, टीकाकरण जो क्षेत्र में होता है उसको नहीं होने दिए हैं, ना ही डब्बा ही नहीं उठने दिए हैं और हम लोग यहाँ जो OPD चलेगा उसको भी बाधित करना है। तो क्या जब तक आपका मांग नहीं हुआ तो ये OPD और बंद रहेगा? बंद रहेगा, बंद रहेगा। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी तब तक OPD आ रहा है इसी तरह बाधित होते रहे। आप भी बोले क्या कहेंगे? हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग टीकाकरण का वैक्सीन उठने नहीं देंगे और चिट्ठा कटने नहीं देंगे। चिट्ठा जब कर जाएगा तो लोग तो फायदा उठाएगा, लेकिन हम आशा उसको रोकेंगे और इस काम को बाधित करेंगे और सरकार को तब सरकार सुनेगी। सरकार का जितनी काम है वो सबको रोकना हम लोग का ड्यूटी है, अभी हम लोग रोकेंगे, उसके लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल। दिन है तीसरा दिन है तीसरा दिन है तो आप लोग का जो मुख्य मांग है